जी व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 ऐसी ड्रेडफुल प्लेसेस के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो मरने से पहले एक बार यहाँ जरूर जाइएगा। आज हम विजिट करेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग प्लेसेस और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो पहले आपने कभी भी देखी नहीं होंगे। आपने क्या कभी पानी पे बाइक चलते हुए देखी है? बंजी जंपिंग। दुनिया की फर्स्ट बंजी जंपिंग प्लेस विक्टोरिया ब्रिज के ऊपर बनाई गई 111 मीटर हाई प्लेस से यहाँ पर लोगों को बांध कर नीचे फेंक दिया जाता है और फिर वाटर में डिप करने के बाद उनको वापस ऊपर निकाला जाता है। ये बहुत थ्रिलिंग है। थ्रिलिंग होने के साथ साथ इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत से स्टंट भी किए जाते हैं। किसी को बास्केट के साथ उसका फेस कवर कर देते हैं तो किसी को डेथ चेयर पे बिठा कर धक्का दिया जाता है। डिफरेंट वेज के साथ इंसानों का अम्यूजमेंट करने के लिए ये ऐसा किया जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इससे भी ज्यादा खतरनाक जंपिंग को एंजॉय कर सकते हैं चाइना के ग्लास इंगसी ब्रिज के ऊपर जो कि 260 मीटर तक हाई है। मोंटे पियाना इटली। सेक्सटन डोलोमाइट में मोंटे पियाना नाम के माउंटेन्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हाइकिंग करके वहाँ पे कैंपिंग की जाती है। इसको रेनबो कैंपिंग भी कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कैंप्स के कलर्स नजर आ रहे होंगे। इनफैक्ट होता क्या है कि इस मोंटे पियाना माउंटेन जो कि 2324 मीटर हाई है, इसके ऊपर ऐसे हाइकिंग की जाती है कि यहाँ से इन माउंटेन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है रोप्स के जरिए। उसके ऊपर ऐसे कैंपिंग लगाई जाती है और आप देख सकते हैं वीडियो में कि लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगिंग कर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ डे टाइम में नहीं बल्कि रात टाइम में भी स्टे किया जाता है और इसके अलावा भी इस मोंटे पियाना नामी माउंटेन के ऊपर हाइकिंग भी की जाती है और अजीबोगरीब करतब भी दिखाए जाते हैं। इवन कि ये तक भूल जाते हैं कि यहाँ 3000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद उनका कुछ भी नहीं बचेगा, शायद ये सब अपनी लाइफ इंश्योरेंस करने के बाद इधर आते हैं। ह्यूमन इनसाइड केज। चिली में मौजूद इस सफारी पार्क जो कि 12 एकड़ तक फैला हुआ है, इसमें एक पिंजरा नुमा व्हीकल में बिठा कर लोगों को जानवरों के आगे बिल्कुल फूड की तरह पेश कर दिया जाता है और यहाँ बैठे हुए सर फिरे क्या करते हैं, इनकी वीडियोस बनाते हैं, इनको नजदीक से देखने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। कुछ ऐसे भी जूज हैं जहां पर पिंजरे के अंदर इंसान को डालकर उस सफारी पार्क में छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहां पर बैठा हुआ मजीद जानवरों के साथ एंजॉय कर सके। इन पार्क्स में हर साल 3 से 4 लोगों की डेथ रिकॉर्ड की गई है। जॉइंट कैनियन स्विंग। कोलोराडो रिवर के ऊपर 1300 फीट की बुलंदी पर बनाया गया ये हाईएस्ट जॉइंट स्विंग 2021 में बनाया गया। थ्रिल सीकर्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है एंजॉय करने के लिए 50 मील्स पर आवर की स्पीड से इस स्विंग के ऊपर झूलते हुए। सर फिरे बहुत शौक से स्विंग पे बैठकर और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट जो 9232 मीटर हाई है, ये पाकिस्तान के हिमालय के सिलसिलों में मौजूद है। ये माउंट एवरेस्ट ने बहुत से लोगों की हर साल जान ली है, इसलिए इसको माउंटेन मॉन्स्टर भी कहा जाता है जो कुमाऊं को निकल रहा है। माउंट एवरेस्ट की क्लाइमेट हमेशा माइनस डिग्री में रहती है, यहाँ पे आइस कैप्स की वजह से हर वक्त टेम्परेचर बिलो रहता है। 9232 मीटर ऊंची इस माउंटेन पे चढ़ना हर एक सरफिरे का ख्वाब है और हर साल इसी वजह से बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। 25 मई 1960 में फर्स्ट टाइम वांग फुजू गोम्प को चाइनीज टीम ने इस चोटी को सर किया। माउंट एवरेस्ट का मतलब है द ग्रेट हेड इन द ब्लू स्काई। हर साल लाखों कोपेमा इस चोटी को सर करने की गर्ज से हिमालय की तरफ मुंह करते हैं। बहुत ज्यादा मशक्कत, सख्त मौसम, तेज हवाओं, लैंडस्लाइडिंग, अर्थक्वेक और छोटी मोटी गलतियों की वजह से हर साल यहाँ पे बहुत से लोगों की जान जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 300 से ज्यादा लोग यहाँ पे होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में मारे जाते हैं और इस 300 के नंबर में वो लोग बिल्कुल भी काउंट नहीं हुए जा रहे जिनकी डेड बॉडीज उनके घर वालों को नहीं मिलती। मई 2024 में एक अंदाजे के मुताबिक बहुत ज्यादा कोपिमा की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गई थी और 318 लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लाशें अभी तक नहीं मिली।
उमियाकोंड ये है दुनिया का सबसे ठंडा तरीन एरिया जहाँ पे जिसम आपका गल सकता है और आपका खून जम सकता है। यहाँ पे टेम्परेचर ऑल टाइम -40 और समटाइम -40 से भी बिलो होता है। यहाँ गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उसका इंजन कभी भी बंद नहीं किया जाता वरना वो कभी भी दोबारा नहीं चलेगा। ये एरिया अपने स्पेक्टेकुलर व्यू से बहुत फेमस है। गर्म पानी को जब आप यहाँ एनवायरमेंट में यूं घुमाते हैं तो वो इस तरह से व्यू पेश करता है। यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी है कि टूटे हुए अंडे फौरन फ्रीज हो जाएगा और बने हुए गर्म नूडल्स को बाहर लेकर जाएं तो वो यूं फ्रीज होगा कि उसके अंदर जो उसका चम्मच है वो भी जम जाएगा और उसको हिलाना आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। इस सब के बावजूद भी यहाँ लोग बसते हैं। एजवॉक कनाडा। जी व्यूअर्स, 2007 में बुर्ज खलीफा ने जिस बुलंद तरीन इमारत का रिकॉर्ड तोड़ा था वो और कोई भी नहीं बल्कि ये कनाडियन नेशनल टावर यानी CN टावर है। कनाडा की ये इमारत 1800 फीट बुलंद है। जून 2024 में ये दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन इमारत है। एजवॉक इसी बुलंद तरीन इमारत के टॉप पे बने हुए एक पाथवे है, एक किनारा है जिसके ऊपर लोगों को बांधकर एक स्पेशल सूट में उनकी रस्सियों को बांधा जाता है और फिर उनको यहाँ पे वॉक करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ से पूरा कनाडा नजर आ रहा होता है। बहुत से लोग यहाँ वॉक करने के बाद अपने डर को मात देते हैं। पाइप ट्रेन। जी व्यूअर्स, आपने कभी देखा है कि आपने एक मोटरसाइकिल को पानी की सरफेस के ऊपर यूं चलाते हुए ऐसा करने को पाइप ड्रीम कहते हैं। होता है क्या है कि मोटरसाइकिल के टायर्स के साथ ऐसी ट्यूब्स लगाई जाती हैं कि वो पानी के ऊपर सरफेस पे तैर सके। इस खेल ने बहुत से लोगों की जान ली है। ताहिती आइलैंड में टीहपो नाम का एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे समंदर की लहरें बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आती हैं। ये जगह अपनी सर्फ ब्रेकिंग की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग आते हैं और सर्फ ब्रेकिंग करते हैं। सर्फ ब्रेकिंग के दौरान वेव्स की ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक चली जाती है जो कि जानलेवा भी है। यहाँ पे हर सर्वर चैंपियनशिप टूर की तरफ से भी एसोसिएशन ऑफ सर्फिंग प्रोफेशनल्स भी मुनक्कद होता है जहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किए जाते हैं, लेकिन हर साल यहाँ पे बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नेट्रोन टिजानिया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तमाम जानदार, चाहे वो किसी भी फॉर्म में परिंदा है या जानवर है, जिस भी फॉर्म में, जस्ट इस लेक को सिंपल टच करने से मर जाता है और जहाँ जाने के बाद परिंदे बिल्कुल पत्थर के हो जाते हैं। ये लेक ना सिर्फ एक्सट्रीमली अल्कलाइन है बल्कि ये तंजानिया के सुपर नेचुरल प्लेस भी कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए किसी यानी यहाँ पे मौजूद वोल्केनो के अंदर से ऐसे लावे के फूटने की वजह से बहुत ज्यादा नाइट्रो कार्बोनेटेड है। इसी नाइट्रो कार्बोनेटेड की वजह से इस लेक की ऐसी प्रॉपर्टीज है कि किसी भी एनिमल फॉर्म बर्ड्स को स्टैचू बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। यहाँ लेक की मिरर रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से ये लेक तमाम परिंदों को और जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसकी ब्यूटी ने जानदारों को अपनी तरफ चार्मिन बनाया हुआ है। यहाँ की क्लाइमेटिक चेंजेस ऐसे हैं कि वो यहाँ के क्रिएचर्स को स्टोन में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। यहाँ पे मौसम बहुत खुश्क होता है और जब भी लेक में पानी कम होता है तो यहाँ टिंडे डेसिकेट हो जाते हैं और स्टोन लाइक स्टैचूस में तब्दील हो जाते हैं। परिंदों की बात करें, जानवरों की बात करें या इंसानों की बात करें, जो भी इस लेक को टच करेगा वो स्टैचू बन जाएगा, स्टोन लाइक स्टैचू। राफ्टिंग इन द कोलोराडो। जी दोस्तों, किसी भी जगह पे राफ्टिंग करना हो तो ये बहुत थ्रिलिंग है और बहुत इंजॉयबल है, लेकिन कोलोराडो के बहुत ज्यादा बहाव में जहाँ पे लहरें आपकी कश्ती के साथ टकरा रही हो वहाँ पे राफ्टिंग करना आपको क्या लगता है कि कैसा होगा? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलोराडो में हर साल राफ्टिंग की वजह से 10 से 20 लोगों की जान जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से सरफिरे हर साल यहाँ पे आप रेडो की लहरों के साथ लड़ते झगड़ते नजर आएंगे और इसके दौरान अपना दम भी तोड़ देते हैं।
नॉर्वे में मौजूद 5 क्यूबिक मीटर यानी 180 क्यूबिक फीट ग्लेशियल डिपॉजिट मौजूद है, जो कि जमीन से तकरीबन 984 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 1.5 किलोमीटर की हाइकिंग करना पड़ती है, लेकिन इस माउंटेन पर चढ़ने के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। इस माउंटेन को बिल्कुल सस्पेंड किया गया 2 माउंटेन्स के सेंटर में, और सस्पेंडेड रॉक की बैक साइड अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह का व्यू देती है। यहाँ पर टूरिस्ट के जरा सी गलती उनकी जान दे सकती है। स्मरना बीच अपनी शार्क्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर इस वाटर में बहुत सी शार्क्स बेबीज आपको नजर आएंगी, और हर साल ये शार्क्स बहुत से लोगों को काट कर उनकी मौत का बायस बनती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरह से ब्लैक शार्क को ये आदमी देख रहा है, और बहुत सी शार्क्स की बाइट्स करने से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से हजारों लोग इस बीच पर तड़पते हुए मर जाते हैं। जैसे ही ये शार्क बाइट करती है तो इंसान पैरालाइज होने के बाद कोमा में जा सकता है। बहुत सी न्यूज इस तरह की रिकॉर्ड की गई है कि हर साल किस तरह से इसके विक्टिम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। डोरवे टू हेल, इसे दोजक का दरवाजा भी कहा जाता है। 1980 से अचानक बनने वाले इस क्रेटर में तक आग बुझी नहीं है। मुसलसल 50 सालों से इस जगह पे आग बन रही है। उसकी वजह वहाँ पर मौजूद मीथेन गैसेस की प्रेजेंस है। ये आग इतनी ज्यादा कभी कभी हो जाती है कि साथ में बैठने वालों को झुलसा भी सकती है। बहुत से ऐसे केसेस भी मुंसरे आम पे आए हैं कि सेल्फीज लेते हुए लोग इस गड्ढे में गिरने के बाद सीधा दोजक में चले गए हैं। लेकिन सर फिरे और खतरों के खिलाड़ी इससे जरा भी नहीं घबराते, और यहाँ पर अपनी सेल्फी लेना, सेल्फी बनाना अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं।